नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बुलंदशहर में सलेमपुर में अवैध संबंधों के शक में महिला की हत्या। महिला के पति और देवर ने महिला का गला दबाकर उतारा मौत के घाट। आरोपियों ने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए करिश्मा के शव को नहर में बहाया। पुलिस ने कातिलों की निशानदेही पर गोताखोरों की मदद से शव नहर से किया बरामद। मृतका के मायके पक्ष ने अनहोनी की आशंका जताकर पुलिस से लगाई थी मदद की गुहार। दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में, तो वही थाना सलेमपुर क्षेत्र के गांव सदरपुर का है पूरा मामला। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की रिपोर्ट देखिए। दिनांक 13 मई 2024 समय दिन में करीब 11 बजे थाना सलेमपुर पर एक व्यक्ति यह सूचना लेकर आया कि उसकी विवाहित बहन से 2 दिनों से कोई वार्ता नहीं हो पाई है तथा उसे संदेह है कि उसकी बहन के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो गई है। इस सूचना पर तत्परता से थाना पुलिस द्वारा जांच पड़ताल छानबीन की गई एवं ससुराली जनों से पूछताछ की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि महिला के पति अमित कुमार निवासी ग्राम सदरपुर थाना सलेमपुर के द्वारा इलिसिट रिलेशन के शक में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। अपने भाई सुनील के सहयोग से उसके शव को ऊपरी गंगा नहर में डाल दिया गया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर एक लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुबह शव की बरामदगी की गई एवं पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मायके पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा दोनों अभियुक्तों को चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।